गाय और गौशालाओं को लेकर सियासत तो खूब होती है, लेकिन गायों की सेवा नहीं होती। द सूत्र ने मुहिम शुरू की है और हम आपको गौशालाओं की हकीकत दिखा रहे हैं। आज की कड़ी में देखिए छतरपुर और आगर मालवा की गौशालाओं की हकीकत। द सूत्र ने छतरपुर जिले के अलग अलग ब्लॉक में मौजूद 4 गौशालाओं का जायजा लिया। हर गौशाला की कहानी एक जैसी ही नजर आई। गायें तो कहीं नहीं मिली। छतरपुर में मनरेगा के तहत 2 साल पहले 175 गौशालाएं बनाई गई थी। 13 गौशालाएं ही अभी संचालित हो रही हैं, बाकी गौशालाओं के हाल बेहाल। जैसे बक्सवाह जनपद पंचायत में आने वाली सुनवाह की ये गौशाला। गौशाला की बिल्डिंग बनी हुई है, मगर द सूत्र की टीम ने जब इसका जायजा लिया तो यहाँ ना तो गायें नजर आई ना ही कोई इंसान, केवल बिल्डिंग बनी है जो पूरी तरह खाली पड़ी है। 37,84,000 की लागत से हुई थी गौशाला का निर्माण। वित्तीय वर्ष 21-22 में गौशाला कंप्लीट है और उसमें भूसा रख दिया गया है। 1 लाख की लगभग का वो मैंने अपनी तरफ से रख दिया है और जुलाई में गौशाला को संचालित करवा दिया जाएगा। वर्तमान में कितनी गाय हैं? नहीं, वर्तमान में अभी एक भी गाय नहीं है। भगवा ग्राम पंचायत में 2022 में गौशाला बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन ये गौशाला आज तक शुरू नहीं हो सकी। ग्रामीणों के मुताबिक गौशाला में आज तक एक भी गाय नहीं देखी गई। जो भी बजट आता है वो कहां जाता है किसी को नहीं पता। ऐसा ही हाल नौगांव ब्लॉक के गौरारी की गौशाला की। ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला तो बना दी गई है, लेकिन गायों के लिए तो सुविधाएं हैं ही नहीं। ओ भाई, उधर व्यवस्था ही नहीं है। पानी चाहना ढोना भूसा चाहना तो थे भी हां, एक सही आदमी चाहनो नहीं देखभाल करे। गौशाला बन भी से कछु आपर ने फायदा है मिलो ही को मिलो बस फायदा को भाई मिलो कोनो लाभ नहीं मिलो गौशाला को। यानी कुल मिलाकर जितनी भी गौशालाओं का जायजा हमने लिया वहां गायें मिली ही नहीं। छतरपुर में गौशालाओं के संचालन का जिम्मा पहले स्वसहायता समूहों को सौंपा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से केवल एक बार फंड आया। 3 साल से कोई फंड ही नहीं मिला, जिससे स्वसहायता समूहों ने काम छोड़ दिया। वहीं पशुपालन विभाग के अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि मनरेगा के तहत गौशालाओं का निर्माण 3 चरणों में होना था। पहले चरण में ऐसी जगह तलाशनी थी जहां गौशाला बनाने से पहले गौचर भूमि हो, इसके बाद गौशालाएं बनाई जानी थी और 3रे चरण में गायों को शिफ्ट करना था। लेकिन पंचायतों ने कमीशन के चक्कर में गौचर भूमि तैयार ही नहीं की, भवन बना दिया। अब चारे के लिए पंचायतें सरकार का मुंह ताक रही हैं। और अब आपको ले चलते हैं आगर मालवा जिले में। यहाँ भी 3 साल पहले 130 गौशालाओं के निर्माण का ऐलान हुआ था, लेकिन सिर्फ 36 गौशालाएं ही बन सकी। इनमें से 16 स्वयंसेवी संस्थाएं संचालित कर रही हैं। द सूत्र की टीम पहुंची पांचारूंडी ग्राम पंचायत की देव नारायण गौशाला। यहाँ एक स्वयंसेवी संस्था गायों की देखभाल कर रही है, लेकिन इस संस्था को सरकार से फंड ही नहीं मिल रहा। अभी हमारा 13 महीना संचालित करते करते हो गए हैं। पशुपालन विभाग से हमें सिर्फ 7 महीने का भुगतान मिला है और अभी हमारा 6 महीने का भुगतान अभी बाकी है। 5 लाख के लगभग बनती है, 4.5 लाख के लगभग राशि जो बनती है वो हमारी बाकी है। और अभी सबसे मेन समय ये चल रहा है कि भूसा इकट्ठा, अभी आज से 8 दिन बाद हमें भूसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सबसे मेन समय अप्रैल माह जो होता है भूसा इकट्ठा करने का होता है, जिसमें पूरे साल का भूसा हमें इकट्ठा करना रहता है और इसी समय हमें पैसे नहीं मिल रहे, सबसे बड़ी समस्या इस टाइम। यानी फसल कट चुकी है और गायों के लिए भूसा इकट्ठा करने का यही सही समय, मगर फंड ही नहीं मिल रहा। इसी तरह द सूत्र की टीम पहुंची एक और गौशाला जिसे संचालित कर रही है गौशाला उत्थान समिति। यहां भी फंड के अभाव में गायों की देखरेख हो ही नहीं पा रही। अनुदान की राशि 1 अप्रैल 2019 से शासन के कैबिनेट में बिल पास हुआ था कि 20 रुपये प्रतिदिन गाय के मान से दिए जाएंगे, तो आज दिनांक तक 48 महीने हो चुके हैं और 48 महीने में हमको मात्र 24 महीने की राशि शासन के द्वारा दी गई है और 24 महीने की राशि अभी शासन की तरफ बकाई है। ये मेरी अकेली गौशाला का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की 1734 गौशालाओं का हाल है। यानी कुल मिलाकर जो संस्थाएं गौशालाओं का संचालन कर रही हैं वो बेहद परेशानी में है। इस मामले में पशु विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हरिवल्लभ त्रिवेदी का कहना है कि मार्च 2023 तक भुगतान स्वयंसेवी संस्थाओं को कर दिया गया है। अब या तो गौशाला संचालक सच बोल रहे हैं या अधिकारी, क्योंकि गायों की हालत बेहद खराब है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र।
आप हमारी खबरें thesootr.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।